दोस्तों एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। कल रात मैंने GTA 5 डाउनलोड पर लगाया और उसके बाद तो दोस्तों कल रात में खाना करके बैठा ही था अपने पीसी पे, सोचा आज GTA 5 डाउनलोड करते हैं, पर वहां पे गेम की साइज देखी 105 GB। अरे दादा रे, मैंने कहा ओ माय गॉड यार, लेकिन डाउनलोड भी करनी थी। फिर मैंने सोचा चलो एक काम करता हूँ, इसको डाउनलोड लगा के सो जाता हूँ, कल सुबह तक डाउनलोड भी हो जाएगी। ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, कहीं वायरस तो नहीं आ गया इसमें? नहीं 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 यार, एक भी बटन काम नहीं कर रहा है इसका। कंप्यूटर ऑफ करके देखता। अरे नहीं यार, ये बटन भी काम नहीं कर रहा है इसका। जैसे तैसे मैंने पीसी को तो रीस्टार्ट कर लिया, दौड़ के गया MCP डाउन कर दिया, पीसी रीस्टार्ट कर लिया, लेकिन एक प्रॉब्लम आ गई दोस्तों। फ्री फायर में से सारे कैरेक्टर्स मिसिंग हो गए हैं और वो सारे कैरेक्टर्स GTA 5 में पहुंच गए, पता नहीं कैसे, शायद कोई ग्लिच होगा। आओ चलकर देखते हैं कि आखिर प्रॉब्लम क्या है, सारे कैरेक्टर्स को वापस लेके आते हैं, लेट्स गो। ओके गाइस, तो अभी हम लोग आ गए हैं GTA 5 के अंदर और यहाँ का जो दादा है इस मैप का, जो असली बादशाह है, वो है माइकल। ये देखो, ये सामने ही रहा। तो अभी मैंने इससे जाके बात कर ली है, मैंने इसको पूछा कि भाई क्या तूने किसी फ्री फायर कैरेक्टर को देखा है इस गेम के अंदर? तो बोला कि मैंने तो किसी को नहीं देखा, बट हाँ इसने आज किसी ऐसे इंसान को देखा है जो इस शहर को तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। तो अब देखते हैं कि कहाँ ले जा रहा है। भाई मेरे को भी तो ले जा, कहाँ जा रहा है तू? अभी बोलते रहा था मैं अभी जा रहा हूँ। भाई दरवाज़ा खोलते, मैं भी तो आऊँगा भाई, पहली फुर्सत में निकल। ओ भाई तो अकेले उड़ गया। ओ यार बड़ा आदमी यार, गाइस ये पूरी बोट ही इसकी है, देखो हेलीकॉप्टर में बैठ के चले गया। क्या हो जाता अगर मुझको भी ले जा लेता तो? कोई बात नहीं गाइस, अब हमको यहीं से तैर के जाना पड़ेगा, बस उस कोने तक ही जाना है, बीच सामने ही है, उसके वहाँ से हम कोई भी गाड़ी उठा सकते हैं। ओह यहाँ तो गाइस जेट्स की भी रखी हुई है। एक काम करते हैं, इसको 2-3 किक माननी पड़ेगी तब शायद ये, भाई पंच नहीं, एक किक और, बहुत बढ़िया। ताकत नहीं है क्या, थोड़ी ज़ोर से मार, बहुत बढ़िया, क्या बात है गाइस, हमको यहाँ पे जेट्स का जुगाड़ हो गया। मैं तो सोच रहा था तैरते तैरते पूरे बरसों ना बीत जाए। लेट्स गो, जल्दी से गाइस बीच पे पहुँचते हैं और उसके बाद मैं माइकल को मैसेज करता हूँ कि भाई हमको कहाँ छोड़ के चले गया। ये बोलते रहते कि हमको उस लोकेशन में ले जाएगा, बस उसका नंबर पड़ा हुआ है सामने शायद एक। ओ भाई दबेंगे ये लोग, ओ उनके सर के ऊपर से निकाला मैंने जेट्स की। रुक जा, क्या बात है यार, सीधे मिट्टे में उतार दिया गाइस। सामने एक गाड़ी दिखी मुझे, फटाफट से इस पर बैठ जाता हूँ और चलते सीधे रोड में। उसके बाद माइकल को मैसेज करते हैं, भाई कहाँ छोड़ के चले गया हमको? मेरे ख्याल से यहाँ पे गाइस हमको भी वो एड्रेस पिन कर देगा। माइकल से बात हो गई है दोस्तों, उसने मुझे अपनी लाइव लोकेशन एड्रेस कर दी है, देखते हैं कहाँ पे है। मेरे ख्याल से यहाँ कहीं पर उसने मुझको बुला रखा है इस एरिया पे, जल्दी से वहाँ पे पहुँचना पड़ेगा। इसी लोकेशन पे उसने किसी को देखा हुआ है जो शहर का उसको नहीं लग रहा है, बट वहाँ तो पहुँचने के सबसे पहले हमको ये कार चाहिए रहेगी। यहाँ पे शायद पार्किंग लॉट है, ओ नाइस, क्योंकि ये वाली गाड़ी से तो यार बरसों बीत जाएंगे। इससे अच्छा एक सुपरफास्ट कार उठा लेते हैं, ये कार बढ़िया लग रही है। इसी को उठाते, कौन सी इन्फर्नस भाई साहब, ओ क्या गजब है यार, ये तो ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, बट कोई बात नहीं गाइस, अपनी लेन है बिल्कुल, 200 की स्पीड पकड़ लेंगे, बस वहाँ तक भाग जाइए। फटाफट से अपनी लोकेशन पहुँचते गाइस और उसके बाद वहीं पे मिलता है। ओके गाइस, तो अभी हम लोग पहुँच गए माइकल की दी हुई लोकेशन पे। उसने एक पहाड़ी पे मेरे को बुला रखा है, बोला था कि एक कच्ची रोड दिखेगी, बस वहीं से मेरे को राइट लेना है और वो हमको वहीं पे मिलने वाला है। तो लेट्स सी, सामने पहाड़ी तो आ गई है, अब बस हमको वो रोड ढूंढनी है कच्ची वाली। एंड आई थिंक गाइस देखो वो कच्ची रोड भी हमको मिलेगी, ये हल्का सा यहाँ से राइट ले लेते हैं एंड दैट्स इट, हम लोग अपनी पोजीशन पे पहुँच गए हैं। स्पोर्ट्स कार यार उठा के ला गया वो मैं, और रोड देखो कितनी कच्ची है। कोई बात नहीं यार, धीरे धीरे चलते रहते हैं, ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि वो कह रहा था बस कच्ची रोड में तुम आ जाना, मैं तुमको वहीं पर मिल जाऊँगा। ओके धीरे धीरे चलते रहते हैं और देखो सामने गाइस मुझे माइकल का हेलीकॉप्टर भी दिख गया है, पूरी टीम लेके आ रखा है यार ये तो। चलो चलकर देखते हैं कि यहाँ पे सीन क्या है। ओके तो गाइस यहाँ पे एक रेड क्रिमिनल की बॉडी पड़ी हुई है,
आई थिंक इसी के बारे में गाइस उस वक्त मेरे को बता रहा था माइकल अपने शिप पे। मुझे ऐसा लगता गाइस कि मेरे कपड़े पहन के शहर में कोई घूम रहा था और इसको किसी ने मार दिया ये समझ के कि ये असली रेड क्रिमिनल है। और देखो जिसने भी इसको मार रखा है इसका सूटकेस नहीं ले गया, इसका मतलब उसको खाली मर्डर करने से मतलब था, उसको उसका सूटकेस वगैरह कुछ भी नहीं चाहिए था। इसकी ज़रा गाड़ी का हाल तो देखो गाइस क्या हो गया है, रेंज ओवर के पूरी धज्जियाँ उड़ गई है यहाँ पे। शायद इसी पे ये भागने की कोशिश कर रहा था और बहुत खतरनाक शूट आउट हुआ और जैसे ही इसकी गाड़ी ख़राब हुई ये अपनी जान बचाने के लिए बाहर निकला और रोड में इसका गेम ख़त्म। और ये माइकल के बॉडीगार्ड को देखो गाइस मेरे पे एम करके क्यों बैठा हुआ है, ये माइकल को कोई खतरा नहीं यार मुझसे फिलहाल तो। गाइस मुझे कुछ भी नहीं पता चला कि आखिर स्टोरी में चल क्या रहा है, पूरे फ्री फायर कैरेक्टर्स मिसिंग है जिसमें से एक तो मुझे डेड मिल रहा है, हालांकि ये असली नहीं है क्योंकि असली कैरेक्टर तो हमारे पास है इस वक्त। एक काम करते हैं गाइस माइकल से भी हेल्प लेते हैं, बोलते हैं इसकी टीम अगर कुछ हेल्प कर पाती है तो बाकी के फ्री फायर कैरेक्टर्स ढूंढने पड़ेंगे जल्द से जल्द क्योंकि सारी फ्री फायर कैरेक्टर्स की जान अब खतरे में है। चलो इससे बात करके देखते हैं। गाइस माइकल ने तो यार हमको मना कर दिया है मदद करने से, साफ साफ बोला भाई इतना बड़ा बिजनेसमैन है उसको बहुत सारे काम है वो हमारी इतनी ज़्यादा हेल्प नहीं कर सकता। और बात बिल्कुल सही यार, इतना बड़ा बिजनेसमैन है, इतना बड़ा माफिया है शहर का, तो क्यों ही हमारी मदद करेगा। उसने हमारी इतनी मदद कर दी इसको बता दिया वही बहुत बड़ी बात है, पर चाहे तो यार ये हमको मदद कर सकता था बहुत आसानी से, बट अब हम कुछ नहीं कर सकते। अब इससे आगे हमको ही सब कुछ अकेले करना पड़ेगा। हमारे पास एक डेड बॉडी है, एक सूटकेस है और एक टूटी हुई रेंज रोवर है। माइकल तो भाई टाइम पे उड़ के चले गया पता नहीं कहाँ, पर यार अकेले ना ये मिशन बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगा। तो मैं सोच रहा हूँ कि माइकल से यार हमको काम करवाना चाहिए, बट उसको काम करवाने के लिए ना हमारे पास बस दो ऑप्शन बचे हुए हैं। नंबर एक, या तो हम बहुत सारे पैसों का जुगाड़ करें और उसके बदले में माइकल से हम काम करवा सकते हैं, या फिर हमारे पास ऑप्शन टू है माइकल का बेटा जिमी को दोस्तों अगर हम किडनैप कर लेते हैं तो उसके बदले में हम माइकल से काम करवा सकते हैं। ऑप्शन वन वैसे सेफ था बट यार हमारे पास इतने सारे पैसे अभी है नहीं, बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाएगा इन सारी चीज़ों को अरेंज करने में। ऑप्शन टू थोड़ी ईजी है, हाँ थोड़ा रिस्की भी है पर पैसों का जुगाड़ नहीं करना पड़ेगा। फिलहाल तो गाइज यहाँ पे जो ये डेड बॉडी है सोच रहा हूँ कि इसको किसी समंदर में डाल देता हूँ इसके गाड़ी में डाल के, क्योंकि अगर पुलिस इसको देखती है तो फिर वो डाउट कर सकती है मेरे ऊपर, क्योंकि देखो वो देखेंगे कि एक ऑलरेडी रेड क्रिमिनल मर चुका है ऊपर से दूसरा कौन घूम रहा है। तो इतना बड़ा केस से अच्छा है कि इसको मैं इस गाड़ी में फिट करता हूँ इसके रेंज रोवर में और इसके बाद इसको समंदर में डाल देता है। उसके बाद चलते हमारे अगले मिशन में जिसमें हमको माइकल के बेटे को किडनैप करना पड़ेगा, तभी माइकल हमारे लिए काम करेगा यार, क्योंकि इतने सारे पैसे लाना इम्पॉसिबल है। तो चलो फटाफट से मैं इसको फिट करता हूँ इसके रेंज रोवर में और उसके बाद चलते हैं गाइस। ओके गाइस तो जैसे तैसे अभी मैंने इसको रेंज रोवर के अंदर फिट तो कर दिया है, बहुत भारी था यार ये, अब इसको जल्दी से हम किसी समंदर में ठिकाने लगा देते हैं इससे पहले कि कोई हमको देख ले। दरवाज़ा मैंने बंद कर दिया है, इसकी कार के सहित इसको ठिकाने लगाना पड़ेगा गाइस। अपनी कार को यहीं पर छोड़ देते, कौन सा अपनी है, मैंने भी पार्किंग से ही उठाई थी। ओ भाई इसका तो टायर भी उड़ गए हैं, सिर्फ दो टायरों में हमको ले जानी पड़ेगी। देखते हैं गाइस नियरेस्ट लोकेशन कौन सी है जहाँ पे समंदर हमको मिल जाए, मैप खोल कर देखना पड़ेगा। वैसे ये सारा पानी है लेकिन इतने पानी में ये कार डूबेगी नहीं, बहुत फंसने के काम हो जाएंगे। मैं सोच रहा हूँ कि इस ब्रिज से या तो इसको हम कार को खुदवा देते हैं और वहाँ से नीचे पूरा समंदर ही समंदर है, तो वहाँ पे भाई पुलिस, ओह मेरे को लगा पुलिस को कैसे पता चल गया वो किसी और को यहाँ पे गोलियाँ मार रही है। चलो गाइस हम लोग यहाँ से टाइम पे निकल लेते हैं, विंडो भी नहीं लगा सकते यार पूरी कार की हालत ख़राब हो गई है। वो देखो गाइस पुलिस उस वक्त चली गई है, फटाफट हम भी टाइम पे निकल लेते हैं इससे पहले कि हमको कोई देख ले। लेट्स गो भाई यार, एक तो इसका पंचर हो गया ना टायर, पता नहीं कितना टाइम लगेगा वहाँ तक जाने में। ओलट गाइस तो अभी हम लोग पहुँच गए यहाँ पे समंदर के पास, बड़ी मुश्किल से यार वहाँ पे पुलिस से छिपते छिपते आया हूँ मैं, बिना टायर के भी ये गाड़ी जैसे तैसे चल जा रही है गाइस। जैसे बात तो है रेंज रोवर में भाई आराम से। ओके आई होप कि बस यहाँ पे कोई पुलिस वाला ना हो, नीचे समंदर है यहीं से इसको नीचे कूदा देते हैं गाड़ी को। लेट्स गो, बस मुझे टाइम पे कूदना पड़ेगा, बस कूचा 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 भाई। कार अभी सीधे हमारे कैरेक्टर के ऊपर ही गिरने वाली थी, बच गए यार, मरते मरते बचे अभी तो। लेकिन ये कार डूब क्यों नहीं रही है, थोड़ी किक मारनी पड़ेगी शायद। चल नीचे चले जा, जा भाई ये तो अटक गई है, पूरे फंसने के काम हो गए। वैसे किक मार के बात तो बन रही है थोड़ी थोड़ी, जोर से मार भाई और जोर से। या तो मैं सोच रहा हूँ कि कोई दूसरी यहाँ पे अगर ट्रक आ जाए तो हम इसको समंदर के अंदर डाल सकते हैं, बट यार उतना टाइम हमारे पास है नहीं। अबे किक से भी शायद बात बननी है, इसको मैं लात मारते रहता हूँ गाइस। आई थिंक
बात बन जानी चाहिए। और गाइस, तो मैंने गाड़ी को जैसे तैसे यहाँ पे पानी के अंदर तो डाल दिया लात मार मार के, अब ये समंदर के साथ बहते बहते चली जाएगी, शायद डूब गई है। सो गाइस, अभी मैंने गाड़ी को ठिकाने पर लगा दिया लात मार मार के बहुत ही मुश्किलों के बाद, बट कोई बात नहीं यार, अब हम जल्दी से चलते हैं रास्ता ढूंढ के सबसे पहले तो माइकल के घर के लिए, क्योंकि वहीं पे हमको माइकल का बेटा मिलने वाला है। आई थिंक ज़्यादा टीम की ज़रूरत मुझे नहीं पड़ेगी, अकेले हम उसको संभाल लेंगे, बच्चा है। बट सबसे पहले तो यार मेरे को हाईवे में जाने का रास्ता ढूंढना पड़ेगा, अपने कैरेक्टर की हालत टाइट हो चुकी है यहाँ पे चढ़ाई में दौड़ते दौड़ते। चल भाई जल्दी चल। वैसे टेंशन होने की बात है क्योंकि मुझे ना गाड़ियों की आवाज़ आने लग गई है हाईवे की, तो यहाँ से बस कोई सी भी गाड़ी हम नॉर्मली उठा लेंगे। ट्रक तो नहीं गाइस, पीछे से एक मस्त वाली कार आ रही है, इसको ले लेते हैं। बट पीछे आवाज़ आ रही है किसकी? ओ भाई, ये लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं? कहीं उन्होंने मुझे गाड़ी को गिराते हुए देख तो नहीं लिया? ओ गाइस, रिस्क हम बिल्कुल भी नहीं ले सकते, वेपन भी नहीं अपने पास, एक हथौड़ा है बस, इसी से काम चलाना पड़ेगा। अब इन दोनों को चलकर मार देते हैं यार, क्योंकि अगर इन लोगों ने हमको देख लिया होगा गाड़ी को डुबाते हुए तो प्रॉब्लम हो सकती है। पता नहीं यहाँ पे क्यों लड़ रहा है, भाई निकलो यहाँ से। चलो भाई एक तो गया, तो मोटे को भी मारते हैं। भाई ये बहुत ही फाइटर लग रहे हैं भाई। ओ, एक हथौड़ा इसके सर पे और एक भाई ये मर क्यों नहीं रहे? कितनी कितना क्या खाता है भाई तू, क्या खाता है? हाँ मेरे सामने ज़्यादा डॉन नहीं बनने का। दोनों को गाइस यहाँ पे मैंने चेत कर दिया है, अब फटाफट चलते हैं क्योंकि हाईवे वाली पेट्रोल भी आती ही होगी। इनकी बाइक थी शायद, ये स्कूटर और बाइक, तो इसकी बाइक से लग रही है। ओह बुलेट है शायद। लेट्स गो गाइस, जल्दी से हम लोग निकलते हैं अब माइकल के घर के लिए और वहीं पे चलकर अपना आगे का प्लान बनाते हैं। बस आई होप यार कि हमको किसी ने वहाँ पे गाड़ी फेंकते हुए देखा ना हो, क्योंकि वैसे वहाँ पे दो लोग थे तो सही, आपस में फाइट करने में बिजी थे, बट फिर भी मैंने रिस्क नहीं लिया, मैंने दोनों को मार तो दिया है, उसके अलावा तो कोई भी नहीं दिख रहा था, तो आई थिंक ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए। ओके गाइस, तो अब हम लोग पहुँच गए सीधे माइकल के घर के वहाँ पे। बस आई होप यार हमको वहाँ पे जिमी मिल जाए, क्योंकि अगर जिमी नहीं मिला फिर तो शायद ही यार फ्री फायर करेक्टर्स को कोई बचा सकता है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ माइकल ही अब हमारी मदद कर सकता है, और माइकल बिना इसके किडनैप हुए हमारी मदद नहीं करने वाला है। ओके तो गाइस, अभी हम उसके विला के वहाँ पे पहुँच गए हैं, और आई थिंक मुझे उसके गेट के वहाँ से तो नहीं जाना चाहिए, और जैसे कि मैंने सोचा था इतना बड़ा माफिया है तो बिना गार्ड्स को तो उसका घर होगा नहीं। फिलहाल तो मुझे चार गार्ड तो ऐसे ही दिख गए हैं, और एक बार अच्छे से ना इसका पूरा घर देख लेते हैं, कितना बड़ा घर है यार इसका। लेकिन एक बात अच्छी की गाइस, पीछे के साइड ना मुझे अभी तक एक भी गार्ड नहीं दिखा है, इसका मतलब गार्ड्स इसके वहाँ ज़्यादा नहीं है। तो मेन गेट से तो हम नहीं जा सकते गाइस, कोई और रास्ता देखते हैं। यहाँ पे एक मैंने छोटा गेट देखा था, वहाँ से शायद हम लोग जा सकते हैं। यहाँ पे एक बार मेरा वेपन देख लूँ गाइस, मेरे पास यहाँ पे एक हैमर है और एक ये पिस्टल है। एक फ़ायदा वैसे ये हुआ कि जहाँ पे हमने समुंदर के साइड में वो दो प्लेयर्स मारे थे ना, वहाँ से मुझे गन तो मिल गई थी। अब ये पिस्टल से हमको काम चलाना पड़ेगा, क्योंकि हैमर तो भाई किसी काम का नहीं है फिलहाल। ये देखो, ये छोटे वाले गेट की जो मैं बात कर रहा था, हम यहीं से जा सकते हैं अंदर, क्योंकि मेन गेट में तो गार्ड्स लगे हुए हैं, और यहाँ पर भी एक गार्डनर है जो इस वक्त पीछे दिख रहा है। जैसे ही अपने काम पर बिजी होगा गाइस, हम लोग सीधे अंदर एंट्री कर लेंगे। लेट्स गो, ये गार्डनर बस जल्दी से बेहोश हो जाए और कोई मेरे को ध्यान ना दे तो ज़्यादा सही है गाइस। चलो गाइस, तो यार यहाँ पे गार्डनर को तो मैंने मार दिया है, शायद वो वहाँ पे बेहोश हो गया है, और यहाँ पे अभी तक किसी भी गार्ड्स को पता नहीं चला, सबके सब अभी बिजी हैं। तो वक्त आ गया असली धमाका शुरू करने का, हो जाएगी फाइट एंड फाइट। कहाँ से शुरू करूँ गाइस? ये सिगरेट वाले से शुरू करता हूँ, बहुत सिगरेट फूक रहा है। ओह, इन्होंने तो मुझे देख लिया। भाई भाई भाई, सबको पता चल गया यहाँ पे। कहाँ से शुरू करें? ये क्या कर रहा है? एक गार्ड तो मैंने डाउन कर दिया है, लेकिन अब सारे गार्ड्स यहाँ पे अलर्ट हो गए। एक बहुत बुरी खबर हो गई है, अगर माइकल को पता चला कि भाई मैंने यहाँ पे ऐसा करा है, वो पूरी आर्मी लेके आने वाला है मुझे मारने के लिए। भाई ये तो छुप के मार रहे हैं यार, काश उन पर कोई अच्छी वाली गन होती। ये गार्ड वहाँ पर खड़ा गया, उसको मैंने पैर पे गोली मार दी है। अब सबसे पहले इसको हेडशॉट मारना पड़ेगा। आ जा बेटा, एक गार्ड तो गया, दो गार्ड बचे हैं, रिलोड करके मेरे ख्याल से सीधे रश ही करना पड़ेगा। ओके गाइस, दो गार्ड में शायद मैंने यहाँ पे डाउन कर दिया। आ जा बेटा, बहुत हीरो बन रहा है, तो पेड़ में छिप छिप के मार रहा है, ज़्यादा शाड़प मती नहीं दिखाना मेरे साथ।
भाई साहब पैर में गोली लगी है फिर भी मेरे को मार रहा है। बहुत खतरनाक गार्ड से यार। ओके गाइस एक गार्ड में यहां दिखा, ये भी खत्म। ऑलराइट गाइस अब फटाफट से अंदर चलते हैं, शायद ये इसका मेन गेट है। लेकिन यार ये डोर तो लॉक है, इसका मतलब गाइस जिम ही अंदर ही है। चलिए बहुत जल्दी से और जगह भी मैं चेक कर लेता हूँ, शायद किसी से कोई दरवाज़ा मुझे मिल जाए अंदर जाने का। एक और यहाँ पे गार्ड था, ये भी ख़त्म। ओ ये भी ख़त्म, ये भी ख़त्म। क्या बात है, आ जा बेटा, बहुत हीरो बना था ना तू। ओके गाइस एक गार्ड, ये आखिरी गार्ड है शायद। कितने सारे गार्ड्स यार, हर जगह पे एक एक गार्ड है। ओ एक और गार्ड, सीधे हेडशॉट। मरा कि नहीं मरा? ओके गाइस सारे गार्ड्स आई थिंक अभी मैंने निपटा दिए हैं, अब चलते हैं सीधे अंदर। जिमी भाई अब तो तुम्हें कोई बचा नहीं सकता गाइस, इतनी चालाकी के साथ उसने सारे डोर्स मेरे ख्याल से लॉक कर दिया, इसका मतलब 100% जिमी हमको अंदर ही मिलने वाला है। लेकिन यार अब हमको अंदर जाने का रास्ता ढूंढना पड़ेगा, कहाँ से जा सकते हैं हम लोग गाइस? देखो वैसे ऊपर एक खिड़की तो है, बट यहाँ ऊपर जाने के लिए मेरे को शायद यहाँ पे एक गाड़ी लानी पड़ेगी। तो जल्दी से गाइस यहाँ पे एक मैं बड़ी सी गाड़ी ले आता हूँ बाहर रोड से। ओके गाइस मुझे अभी एक गाड़ी तो यहाँ पे मिल गई है, बस आई होप कि यार जल्दी से मुझे जिमी मिल जाए इससे पहले कि माइकल यहाँ पर आ जाए, क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता कि इतनी भयानक फाइट इसके घर में हुई और माइकल को ना पता चले। इससे पहले कि माइकल पूरी आर्मी लेके हमारे पास आ जाए, फटाफट इस घर में अच्छे से तहकीकात कर लेते हैं और जिमी को ढूंढो गाइस, हमको आज जाना ही पड़ेगा। चलो भाई जल्दी से बाहर निकल जा, एक जंप हम यहाँ पे मारेंगे और शायद फिर बात बन सकती है। बहुत बढ़िया गाइस, ओके आई थिंक अब घर के अंदर हमारी एंट्री हो चुकी है, बस यार हमको यहाँ पे जिमी मिल जाए जल्दी से। सारे कमरे चेक कर लेते हैं फटाफट से, कोई भी कमरे पर गाइस सिक्योरिटी गार्ड घूम सकते हैं, इसलिए नो रिस्क। ओके गाइस इस कमरे में तो बस माइकल के फैमिली की फ़ोटोज़ है, फटाफट से दूसरा कमरा भी चेक कर लेते हैं। ओके यहाँ पे दरवाज़ा है, इसको भी चेक कर लेता हूँ मैं, और यहाँ पे भी सब कुछ खाली है। कहीं गाइस जिमी भाग तो नहीं गया? नो एंट्री यहाँ पे लिखा है। ओ भाई साहब रूम के क्या धज्जियाँ उड़ा रखी है गाइस, यही पक्का उसका रूम होगा, लेकिन यहाँ पे तो वो कहीं है ही नहीं यार। ये तो बहुत चिंता वाली बात हो जाएगी, एक कमरा यहाँ पे और है लेकिन ये डोर लॉक्ड है। फटाफट से नीचे जाके मैं चेक कर लेता हूँ, बट आराम से कहीं पर भी गार्ड्स हो सकते हैं जिनके, यहाँ पे भी कोई नहीं है, बाहर चलकर देखते हैं। दोस्तों पूरा यहाँ पे मैंने घर छान दिया लेकिन अभी तक मुझे जिमी कहीं पे भी नहीं मिला है। और ये पुलिस कहाँ से आ गई भाई, कहीं किसी ने इन्फॉर्म तो नहीं कर दिया? वैसे गाइस मैंने ये नीचे और टेनिस कोर्ट वाला एरिया चेक नहीं किया था, एक बार यहाँ पर चल कर देख लेता हूँ, बट यहाँ पर भी यार सारी कुर्सियाँ खाली। ओ भाई यहाँ पर जिमी को किसने मारा है? नहीं नहीं गाइस ये जिमी मरा नहीं है, ये नशे में धुत है, इसके घर में इतनी ज़्यादा फाइट हुई और अभी तक नशे में है। चल भाई उठ जा भाई, भाई ये बहुत ही बुरी तरीके से नशे में झूम रहा है, इसको फटाफट से गाइस मैं अपनी गाड़ी में फिट कर लेता हूँ इससे पहले कि यहाँ पे माइकल आ जाए। चलो भाई फटाफट इसको घिसट के ले चलते हैं, भाई इतना भारी है मेरा कैरेक्टर, इसको उठा भी नहीं पा रहा है। चलो चलो भाई जल्दी 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 जल्दी। ओके गाइस अभी मैंने गाड़ी की डिक्की खोल दिया, फटाफट से उसको उठाते हैं और इससे पहले कि माइकल आ जाए इसको फटाफट डिक्की में भरना पड़ेगा। एक तो इतना मोटा है भाई, मेरा कैरेक्टर इसको उठा ही नहीं पा रहा है। आ जा भाई तू फटाफट आ जा। चलो गाइस जिमी को तो मैंने जैसे तैसे डिक्की में डाल दिया है, और फटाफट से चलता है यहाँ से और सीधे माइकल को कॉल घुमाता हूँ। गाड़ी की डिक्की भी गाइस मैंने बंद कर दिया, फटाफट से मैं माइकल को कॉल कर लेता हूँ और बता दूँ कि भाई तेरा बेटा मेरे गिरफ्त के अंदर आ चुका है, अगर ये वापस चाहिए मुझे अपनी लोकेशन भेज और हमारी मदद कर। बढ़िया दोस्तों मैं सोच रहा हूँ कि आखिर इसके बेटे को मैं छुपाऊँगा, मुझे तो कोई जगह ही नहीं पता है शहर में। एक काम करता हूँ इसको किसी छोटी गली में छुपा देता हूँ। दोस्तों अभी मैं गाड़ी को भगाते भगाते यहाँ पे एक लोकेशन पे पहुँच गया हूँ। मैं एक बार यहाँ पे आया था एक बैंक रॉबरी के टाइम पे, और शायद वो गली अगर अभी तक बंद ना हो तो वो बेस्ट जगह यहाँ पे जिमी को छुपाने के लिए। और माइकल से मेरी अभी बात हो गई है और उसने मुझे एड्रेस भी दे दिया है, बट वहाँ जाने से पहले गाइस हमको इस गाड़ी को ठिकाने लगाना पड़ेगा। गाड़ी की बहुत ही बुरी हालत हो चुकी है भाई, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं क्योंकि हम लगभग वो लोकेशन पे पहुंच गए, बस आसपास कोई पुलिस ना हो यार। जिमी तो बेचारा लुढ़क लुढ़क के पूरा इसका हलवा बन गया पीछे डिक्की में, बस ये मरे ना यार। और गाइस तो ये वो लोकेशन शायद आ चुकी है, ये देखो
ये रही वो गली, फटाफट से यहाँ पे तोड़ के मैं अंदर चले जाता हूँ, किसी ने देखा तो नहीं ना। बढ़िया है, बस बहुत बढ़िया गाइस। यहाँ पर ना एक अंडर कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है और आजकल ये साइट बंद है, तो मेरे हिसाब से जगह बेस्ट है इसको छुपाने के लिए। कोई भी नहीं है गाइस आसपास, बहुत सही। बस यहीं पे हम गाड़ी को पार्क कर लेते हैं और सीधे गाइस हम लोग निकलते हैं अब माइकल की लोकेशन पे। इसको कॉल करता हूँ, बोलता हूँ सीधे मुझे अपनी लाइव लोकेशन शेयर कर दे। लेट्स गो गाइस। माइकल ने मुझे अपनी लाइव लोकेशन दे दी है, ज़्यादा दूर नहीं है। बस मैं ये सोच रहा हूँ यार, अगर माइकल ने हमको वहाँ पे घेर के मार दिया तब हम क्या करेंगे। वैसे वो कर नहीं सकते क्योंकि उसको वो लोकेशन पता ही नहीं है उसके बेटे की। अगर वो मुझे मार देगा तो उसको बेटा उसको कभी मिल ही नहीं पाएगा, वो भी ही मर जाएगा। तो ऐसी गलती तो वो शायद बिल्कुल नहीं करने वाला है। फिलहाल तो गाइस मैं गाड़ी पकड़ लेता हूँ, यार बहुत गरीबी है इस मैप में। चल भाई उतर जा, उतर जा बाहर, ये गाड़ी अब से मेरी हो गई है। लेट्स गो गाइस, फटाफट चलते हैं अब लोकेशन पे और जाकर माइकल को अच्छे से समझा देते हैं, भाई प्लीज़ हमारी हेल्प कर दे, हम तेरे बेटे को सुरक्षित वापस लौटा देंगे। लेट्स गो। तो दोस्तों अभी मैं अपनी गाड़ी को भगाते भगाते ले आऊँ सीधे माइकल की दी हुई लोकेशन पे। अब देखते हैं यार उसने हमारे लिए क्या बंदोबस्त कर रखा है। वैसे डरने वाली कोई बात नहीं है क्योंकि जब तक उसका बेटा हमारे पास है तब तक वो हमको हाथ भी नहीं लगाने वाला। क्योंकि देखो अगर उसने हमको कुछ भी किया तो सीधे उसका बेटा मर जाएगा। ऐसी जगह हमने उसको छुपा रखा है, चौथा मुल्क की पुलिस भी एक साथ मिलकर उसको नहीं ढूंढ सकती है। तो ऐसी गलती तो माइकल बिल्कुल भी नहीं करेगा, और इसने कर दी है बहुत बड़ी गलती। खैर चलो गाइस अभी इसको माफ़ कर देता हूँ, छोड़ देते हैं इसको अभी, क्योंकि हम ना उसके लोकेशन पे पहुँच गए। देखो इसी घर पे उसने हमको बुला रखा है माइकल ने, 7709 पे। देखो सामने मुझे उसका हेलीकॉप्टर भी दिख गया, तो वही वाला घर हुआ। चलो भाई गेट खोल दो। क्या बात है यार, बड़ी स्पीड में खोला। और सिक्योरिटी तो देखो यार माइकल की, क्या ही तगड़ी सिक्योरिटी बुला रखी है भाई। मतलब एक भी मैंने गलती करी एक सेकंड में ये लोग मेरा गेम ख़त्म कर देंगे। हर जगह बंदे ऊपर नीचे दाएं बाएं, और ये कौन सी गाड़ी है सामने वाइट वाली, इतनी मस्त मस्त गाड़ियां हैं यार। माइकल के पास अपनी गाड़ी खड़ी करने में शर्म आ रही है मेरे को, यहीं पर खड़ी कर देता हूँ। चलो गाइस अभी चल के सीधे माइकल से बात करते। देखो वो सामने बैठा है और लेफ्ट में शायद उसका दोस्त ड्राइवर भी है। कुछ तो बहुत तगड़ी बात होने वाली है। चलो जल्दी से जाके इसको बोलता हूँ, भाई प्लीज़ हमारी मदद कर, हम तेरे बेटे को सुरक्षित लौटा देंगे भाई। भाई इससे बात करके देखते हैं गाइस कि आखिर क्या कह रहा है। माइकल ने तो दोस्तों हमको सीधे सीधे मना कर दिया हमारी मदद करने से। बोला कि क्या गारंटी कि तुमने मेरे बेटे को मारा है फिर नहीं। ये कह रहा कि पहले मुझे उसके बेटे से मिलवाओ। बट यार हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते। पता चला हम उसको वहाँ ले गए, इससे अपने बेटे को भी बचा लिया और हमको भी वहीं मार डाला, तो इतना बड़ा रिस्क तो हम नहीं ले सकते। चलो एक काम करता हूँ गाइस, इसकी बात मैं फ़ोन पे करवा देता हूँ उसके बेटे से, तब इसको प्रूफ भी मिल जाएगा कि उसका बेटे को हमने अभी तक नहीं मारा है, और फिर शायद ही हमारी मदद भी करे। बस अब जिमी मेरा फ़ोन उठा लिया, अभी तक उसको होश तो आ जाना चाहिए। मैंने फर्स्ट क्लास उसके लिए वहाँ पर पानी पिज्ज़ा सब कुछ रखा हुआ था, कुछ नहीं तो भाई इतना मोटा है वो पिज़्ज़ा की खुशबू से उठ ही जाएगा अभी तक। चलो गाइस इसकी बात करवाते हैं। ऑलराइट गाइस, फाइनली गाइस माइकल हमारी मदद करने के लिए मान गया है, और मैंने उसको ये भी बोल दिया कि भाई तेरे सारे बॉडीगार्ड्स यहीं रहेंगे, तू मेरे साथ अकेले जाएगा। क्योंकि उसकी अच्छे से बात हो गई जिमी से, देखो अपनी सुपर काम ले जा रहा है शादी हमको। वाह यार गाइस चलो फटाफट से उसकी गाड़ी में बैठते हैं, पहली बार यार ये वाली गाड़ी में चलाने वाला हूँ। और अब गाइस माइकल हमको ले जा रहा है सीधे उसके सीक्रेट बेस में, जहाँ पे इसकी पूरी टीम लेस्टर फ्रैंकलिन सभी टैलेंटेड लोग हैं। बस यहाँ पे थोड़े आराम से गाड़ी चलाता हूँ, अगर एक को भी गाड़ी चढ़ गई ना ये सारे मेरे ऊपर चढ़ जाएंगे। गेट खोल दे भाई। क्या बात है यार, पूरी माफिया वाली फील दिला दी इस वक्त हमको माइकल ने। चलो भाई यहाँ से लेफ्ट ले लेते हैं और सीधे चलते हैं हम लोग माइकल के सीक्रेट बेस पे। पता नहीं कैसा बेस होने वाला है, बट इतना तो मैं जानता हूँ कि ये बहुत ही गजब होगा। और उससे भी ज़्यादा मैं एक्साइटेड देखो इसलिए हूँ यार, क्योंकि माइकल की टीम बहुत ही ज़बरदस्त काम करती है। एक बार अगर हम इसके सीक्रेट बेस में पहुँच गए ना, फिर हमको सारे अपने खोए हुए फ्री फायर करेक्टर्स भी मिल जाएंगे। बाकी यार ये गाड़ी क्या स्पीड में भाग रही है ऊपर से, इससे तो हम गोलियाँ भी मार सकते हैं। भाई साहब क्या गाड़ी है यार ये, और उसकी स्पीड देखो। ओ भाई अभी ठुक गई थी गाड़ी। चलो गाइस जल्दी से हम लोग अब पहुँचते हैं माइकल के सीक्रेट बेस पे, और वहीं मिलता हूँ मैं आपसे डायरेक्ट। क्योंकि अभी तो सीधे सीधे हाईवे है, तो मैं फुल स्पीड में भगाने वाला हूँ इसको अंधाधुंध। यार क्या भाग रही है ये गाड़ी, मज़ा ही आ गया एकदम। ऑलराइट गाइस, तो अभी मैं गाड़ी को सीधे भगाते भगाते पहुँच गया हूँ वाइनहुड हिल्स पे, क्योंकि यहीं पर हमको माइकल ने लोकेशन बता रखी है। हाईवे से सीधे चलते चलते पहाड़ों पर आ गए, अब एक टनल भी आएगी है और ऑलमोस्ट अब हम लोकेशन पर पहुंचने ही वाले हैं गाइस। आई थिंक यहाँ से बस हमें एक लेफ्ट लेना है और हम लोग अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएंगे। लेट्स गो। एक तो यार स्पीड इतनी तेज़ इस गाड़ी की, पहाड़ों में चला ही नहीं पा रहा हूँ मैं इसको, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। और गाइस देखो सामने ही हेलीकॉप्टर भी दिख गया है, वही हमारा मेंशन जहाँ हमको माइकल ने बताया है। चलो भाई गेट खोलो। ओह
गजब गजब गाड़ियाँ हैं यार यहाँ पे। ये शायद लेम्बोर्गिनी सियान है, ये बुगाटी शिरोन और रोल्स रॉयस टाइप के पता नहीं कौन कौन सी गाड़ियाँ गाइस यहाँ पे आई है। ये ओपन वाली सियान है क्या? गजब गजब गाड़ियाँ यार इनके पास। माइकल भी गाइस यहाँ पे उतर गया है, लेट्स सी किसी से फ़ोन पे बात कर रहा है। चलो उसको छोड़ते हैं, हम लोग अंदर चलते हैं भाई। दो दो बॉडी गार्ड्स ओपनिंग में ही हैं, पर डरने वाली कोई बात नहीं यार। जब तक हमारे पास इसका वेट आया ना, हमको कोई कुछ भी नहीं कर सकता है। ओ भाई साहब, क्या मेंशन है यार ये अंदर से! इतना तगड़ा मेंशन तो मैंने यार आज तक नहीं देखा है कहीं पे भी। यहाँ पे एक कुक भी इन्होंने रख रखा है, और दो दो स्विमिंग पूल है यार यहाँ पे तो। अच्छा चलो गाइस, ये सब छोड़ते हैं, इधर चलते हैं इनके सीक्रेट बेस के लिए। एक इनका सीक्रेट बेस होना चाहिए। आई थिंक ये हेलीपैड है। हाँ लेकिन यहाँ पे हेलीकॉप्टर तो नहीं, उस समय मैंने रोड से देखा तो था हेलीकॉप्टर। कहाँ गया? ओ भाई क्या तगड़ी बॉडी है यार इसकी, कैसे कैसे लोगों के साथ पहचाने है। माइकल के मान गए। और गाइस देखो, वो रहा हमारा हेलीकॉप्टर जो हमने रोड से देखा था। इसका मतलब इस मैंशन में दो दो हेलीपैड्स है। और एक बार यहाँ का व्यू देखो गाइस, पूरे शहर का हमको इतना शानदार व्यू दिख रहा है। रात को तो क्या ही मस्त व्यू यहाँ से आता होगा। चलो गाइस अब ज़्यादा टाइम खर्च नहीं करते हैं, सीधे चलते हैं इसके सीक्रेट बेस में और देखते हैं कि आगे क्या प्लान बनाएंगे ये लोग। वैसे गाइस चलो, मेरे ख्याल से राइट लेना है और हम लोग पहुँचेंगे सीधे माइकल के पास, उसका सीक्रेट बेस में। ओ भाई क्या व्यू आ रहा है, इनकी क्या ही मैंशन बना रखा है भाई, मज़ा आ गया एकदम। टेलीस्कोप भी लगा रखा है। लेकिन माइकल कहाँ पे गया यार? माइक ओके ओके गाइस, माइकल मुझे दिख गया अपने सीक्रेट बेस के सामने, शायद खड़ा है ये। चलो गाइस हम भी इसके बेस पर चलते हैं। ऑल राइट गाइस, तो अभी मैं लिफ्ट लेके नीचे आ गया हूँ। माइकल तो अभी ऊपर ही बोला था मुझे कुछ काम है, उसके बाद थोड़ी देर में आता हूँ। और इनका व्यू देखो यार, कौन कहेगा कि ये सीक्रेट बेस है, नीचे बेसमेंट भी इन्होंने इतना खतरनाक बना रखा है। और वो रहा वहाँ पर बैठा हुआ लेस्टर, अभी भी लैपटॉप लगा है, शायद हमारा ही काम कर रहा होगा। दीवार पर इतने सारे वेपन्स टांग रखे हैं और पैसे पैसे फैला रखे हैं हर जगह। और यहाँ पे देखो गाइस, शायद ये बंदा मैप में कुछ प्लानिंग कर रहा है। माइकल के दोस्तों पूरी टीम यहाँ पे आ गई है, बस माइकल नहीं आया अभी तक। देखो ट्रेवर भी यहाँ पे है और फ्रैंकलिन पता नहीं शहर में कुछ देख रहा है। अरे वाह यार, यहाँ पे तो गाइस स्नाइपर भी पड़ी हुई है, ये बढ़िया हो गया। एक फ्री स्नाइपर हमको यहाँ पर मिल गई है, फटाफट उठा लेता हूँ, अपने काम ही आएगी। पर इस वक्त गाइस मुझे ऐसा लग रहा है कि ये लोग हमारे लिए काम नहीं कर रहे, ये लोग अपने कुछ प्लानिंग करने में है। एक तो पता नहीं है माइकल, ये लो भाई माइकल भी आ गया गाइस, अब शायद हमारी बात होने वाली है। माइकल लेस्टर को बोलेगा और उसके बाद हमारी सारी प्लानिंग हो जाएगी। चलो चलकर बात करते हैं गाइस लेस्टर से। ओके गाइस, तो अभी लेस्टर ने हमको सारा मैप समझा दिया भाई, इसने एक क्लिक करा लैपटॉप पे और सारी लोकेशन पता चल गया हमारी फ्री फायर कैरेक्टर्स की। तो उसने हमको लोकेशन बता दी, देखो इस ब्लू मैप में इसने पूरा प्लान बना रखा है। तो अभी मैं, माइकल, ट्रेवर, फ्रैंकलिन लोग जाने वाले हैं उस लोकेशन पे, और लेस्टर ही हमसे ऑफिस में बैठ के कनेक्टेड रहेगा, हमको सारी डिटेल्स देते रहेगा। तो चलो गाइस अब हम लोग चलते हैं सीधे ऊपर, दोबारा से गाड़ी में बैठते हैं। और अभी तो कोई वेपन की भी दिक्कत है, इनके पास पूरा स्टॉक पड़ा है गाइस देखो यहाँ पे। लेकिन इस बार हम गाड़ी से नहीं जा रहे हैं, माइकल बोला कि भाई इस बार गाड़ी से जाना बिल्कुल भी सेफ नहीं है। वैसे तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गया था, इतने ज़्यादा लोग हम लोग जा रहे थे और इतनी दसों दसों कार बाहर से खड़ी हुई थी, बट वो बोला कि सेफ नहीं है कार में। वैसे हेलीकॉप्टर वाला आइडिया मेरे को भी अच्छा लगा, क्योंकि देखो हमको अभी मेन स्पेक्टेट करना है, वहाँ जाके देखना है कि हमारे आखिर फ्री फायर कैरेक्टर्स है कहाँ पे। ऊपर हेलीकॉप्टर से चलता है गाइस, देखो उस वक्त मैंने यहाँ पे देखा था और माइकल लोग पहले से वहाँ पे रुके हुए हैं। लेट्स गो, फटाफट से चलते हैं। ऑलराइट गाइस, तो अभी मैंने लोकेशन भी ले लिया, माइकल से अपने फ़ोन पर डाउनलोड करवा लिया है। और उसको मैंने बोला कि भाई आज हेलीकॉप्टर मैं चलाऊंगा, इसने मेरे को हाँ बोल दिया। वैसे ये वाला हेलीकॉप्टर दो पायलट से चलता है, तो मेरा को ड्राइवर आज होने वाला है माइकल और हम लोग चलाएंगे मेन ड्राइविंग पे। चल भाई हवा में उड़ जा। क्या बात है यार, क्या मस्त लग रहा है ये वाला हेलीकॉप्टर। मुझे लगता है कि भाई इसमें स्पीड ही बहुत तगड़ी होने वाली है। भाई भाई भाई, ये तो कंट्रोल भी नहीं हो रहा अच्छे से यार। ऑलराइट दोस्तों, तो अभी मैंने जैसे तैसे हेलीकॉप्टर को टेक ऑफ तो कर लिया है, पर इसको उड़ाना थोड़ा सा मुश्किल पड़ रहा है। ऊपर से GTA 5 के जो सबसे मेन कैरेक्टर्स है वो सारे के सारे एक ही हेलीकॉप्टर में इस वक्त मेरे साथ बैठे हुए हैं, तो और भी ज़्यादा इसको संभल के चलाना पड़ेगा। वैसे तो दोस्तों अभी मुझे बहुत ही ज़्यादा दूर जाना है, पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि हेलीकॉप्टर 200 की स्पीड से भी ज़्यादा उड़ रहा है। फाइनली हम लोग पूरा शहर को ख़त्म करके पहाड़ी वाले इलाके में आए गए हैं गाइस, क्योंकि हमको लेस्टर ने यहीं पर लोकेशन दे रखी है और हम लोग ऑलमोस्ट यहाँ पे पहुँच गए हैं। मैं आपको एक बार मैप में दिखा देता हूँ कि उसने हमको कहाँ पे लोकेशन बताई दी है। मेरे मैप में दोस्तों कुछ यहाँ पर लोकेशन दिखा रहा है और अभी हम लोग देखो यहाँ पर है, मतलब हमारे आसपास ही वो लोकेशन है, बस हमको अच्छे से उसको देखना पड़ेगा। वैसे यार अब हेलीकॉप्टर लगे बहुत सही किया, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि पहले तो मैं कार से आने के मूड में था, बट माइकल लगा था कि नहीं भाई हेलीकॉप्टर में जाना ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। ऑलराइट दोस्तों, तो हम लोग ऑलमोस्ट वो जगह पर पहुँच गए और मैंने वो जगह ढूंढ भी ली है। जो ये सामने वाली पहाड़ी आपको दिख रही ना, यहीं पर उनका मैंशन है,
लेस्टर ने भी पूरी लोकेशन कंफर्म कर दी है, बस हमको आगे को जाना है और वो हमको मेंशन दिख जाएगा। वैसे हेलीकॉप्टर से भी कुछ साफ व्यू दिख नहीं रहा है गाइस। ओके, यहाँ पे कुछ तो लोड हो रहा है। ओ भाई, यहाँ तो बहुत बड़ा मेंशन है। अरे भाई, मेरा ध्यान मेंशन में कह गया, अभी पूरा हेलीकॉप्टर क्रैश होने वाला था गाइस। अच्छे से उसको उड़ाता हूँ यार। मुझे फाइनली वो लोकेशन मिल गई है, बस अब हमको अच्छी जगह पे हेलीकॉप्टर को लैंड करना पड़ेगा और उसके बाद हम लोग उनके अड्डे में एंट्री मार देंगे। लैंडिंग गेट्स भी गाइस मैंने ऑन कर दिए हैं, बस इसको अब अच्छे से लैंड करना यार। पहाड़ी पे लैंड करना हेलीकॉप्टर को बहुत ही ज़्यादा मुश्किल टास्क होता है। अगर एक भी टायर इधर उधर हुआ तो भाई सीधे गेम खत्म है। अच्छे से उसको लैंड करता हूँ पहले। आराम से भाई लैंड हो जा, उतर जा। बहुत ही बढ़िया यार, इतनी स्मूथ लैंडिंग तो नहीं हुई बट हाँ, अच्छे से मैंने पार्क कर दिया हेलीकॉप्टर को। चलो गाइस, फाइनली मैंने सेफ्टी सभी लोगों को हेलीकॉप्टर से उतार तो दिया है। अब बस यार वो लोकेशन यहाँ से दिख जाए तो मजा आ जाए। माइकल भी हमारे साथ इस वक्त उतर गया यहाँ पे फटाफट। ऑलराइट गाइस, तो सामने जो पहाड़ी है वहीं पे हमको लेस्टर लोकेशन बताई है और वहीं पे हमारे सारे फ्री फायर कैरेक्टर्स भी है। बट यहाँ से ना व्यू कुछ खास दिख नहीं रहा है, बट अपने पास एक स्नाइपर है, शायद उससे बात बन सकती है। ये रही। ओके तो गाइस कुछ चलो जूम करके देखते हैं कि कितने दूर ये जा सकता है। भाई ये स्नाइपर क्या ही जूम कर रही है, जो व्यू हमें हेलीकॉप्टर से नहीं दिख रहा था उससे खतरनाक व्यू तो हमको ये स्नाइपर दे रही है इतनी दूर से। अबे गाइस मुझे चार गाड़ियां दिख रही है, शायद दूरबीन से कोई हमको देखने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे एक और दूरबीन वाला है, एक यहाँ पे है, और पता नहीं क्यों मुझे फ्री फायर कैरेक्टर जैसा लग रहा है, येलो क्रिमिनल जैसा। थोड़ा पास चल के गाइस हमको देखना चाहिए, शायद यहाँ से कोई साफ व्यू आ जाए। एक बार अच्छे से देखते हैं यार, काफ़ी सारे एनिमीज यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं बट उतने साफ नहीं दिख रहे हैं। लगता है और पास गाइस हमको जाना पड़ेगा। यहाँ पे भी वही सेम ड्रेस है, ऊपर भी बंदे हैं गाइस। जितने भी ये लोग दिख रहे हैं ना, सबके पास वेपन तो क्लियरली मुझे दिख रहे हैं। यहाँ से बात नहीं बनेगी गाइस, हमको और पास जाने की ज़रूरत है। चलो चलते हैं गाइस, यहाँ से पैदल ही हमको जाना पड़ेगा। जितने हम पास जाएंगे उतने ज़्यादा हमारे लिए भी ईजी पड़ने वाला है एनिमीज़ को स्पॉट करने के लिए। वैसे हम एक अपना कैरेक्टर खो चुके हैं रेड क्रिमिनल, और हमारे और भी कैरेक्टर्स अभी खतरे में हैं। यहाँ पे पता नहीं इतनी बड़ी आर्मी ये लोग आखिर कर क्या रहे, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। अभी पूरे होंगे गाइस रोड क्रॉस करके पूरे नए पहाड़ी पे जाना है। हमारे हेलीकॉप्टर को तो खैर कोई भी नहीं ढूंढने वाला है, अपने साथ फ्रैंकलिन, ट्रेवर, माइकल सभी लोग आ रहे हैं। तो जल्दी से हम लोग भी पहुँचते हैं, शायद यहाँ से एक बार व्यू मैं चेक लेता हूँ, क्या पता यहाँ से भी दिख जाए, तो उतनी दूर हमको जाना नहीं पड़ेगा। गाइस ये ना मेरे को येलो क्रिमिनल ही लग रहा है, ये भी पता नहीं दूरबीन से किसी को ढूंढने की कोशिश कर रहा है, और ये वाला एनिमी भी यहीं कहीं पे देख रहा है। अभी गाइस यहाँ से शूट करना सेफ नहीं रहेगा, वैसे मैं चाहूँ तो आराम से उसको मार सकता हूँ हेडशॉट यहाँ से, बट अभी जल्दीबाजी करने में कोई फ़ायदा नहीं है। गाइस इतना तो मैं श्योर हो गया हूँ कि ये लोग फ्री फायर कैरेक्टर्स ही है। अब बाकी तो सामने जाके पता चलेगा कि आखिर ये लोग यहाँ पर कर क्या रहे हैं। हो सकता है कि इन सब लोग को अरेस्ट किया हो या फिर मजबूरी में काम करवा रहे हो। रेस्ट क्यों गाइस, फटाफट से चलते हैं उस पहाड़ी पर। माइकल ट्रेवल लोग पता नहीं क्या कर रहे हैं, भाई आ जाओ जल्दी आ जाओ। भाई माइकल तो दौड़ ही नहीं पा रहा है, डाउन में पेट मटकाते मटकाते हुए आ रहा है। गाइस यहाँ पे पुलिस की बस सायरन आ रहा है, बट हमको डरने की कोई बात नहीं है। चलो गाइस फाइनली मैंने रोड भी क्रॉस कर ली है, और अपने साथ साथ फ्रैंकलिन लोग भी आ रहे हैं। भाई पर ये लोग इतने आराम से क्यों आ रहे हैं, कोड़ा के चले जाएगा भाई, हाईवे में पता भी नहीं चलेगा। ये वाली स्नाइपर बहुत ही मस्त मिल गया मेरे को माइकल के सीक्रेट बेस से। ओके गाइस, तो अभी शायद ये लोग हमारी रेंज में आने लग गए हैं, जूम करके देखता हूँ। ओके गाइस अब ये लोग साफ साफ दिख रहे हैं, ये तो ग्रीन क्रिमिनल है, मैं उसको येलो क्रिमिनल समझ रहा था। यहाँ पे एक और ग्रीन क्रिमिनल है, हर जगह बस फ्री फायर कैरेक्टर्स गाइस मुझे दिख रहे हैं। गाइस अभी मैं पूरा घूम के साइड में आ गया हूँ, और मैंने माइकल लोग को बोल दिया कि भाई तुम लोग उसी पहाड़ी पे मेरा वेट करो हेलीकॉप्टर के पास, क्योंकि अभी मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि भाई आखिर ये स्टोरी में चल क्या रहा है। यहाँ तो मैं आया था फ्री फायर के कैरेक्टर्स को बचाने के लिए, बट ये लोग शायद गुंडों के साथ मिल गए हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये लोग मजबूरी में काम कर रहे हो, इसलिए अभी मैं इनको मार भी नहीं रहा हूँ। तो पहले स्टोरी को समझना बहुत ज़रूरी है, अगर मैंने तुरंत एक्शन ले लिया तो शायद मुझसे कुछ गलती भी हो सकती है। यहाँ से व्यू उतना क्लियर नहीं आएगा, इसलिए एक काम करता हूँ थोड़े पास जाकर देखता हूँ। हर जगह बस क्रिमिनल्स ही क्रिमिनल्स हैं यार। अभी ये मेरे निशाने पर है, बट इसको मार कर कुछ फ़ायदा नहीं है। इसको मारना बहुत ज़रूरी है, ये नहीं मारेगा मुझको। अरे भाई ये तो मुझे भी मारने लग गया यार, मैं इनको बचाने के लिए आया था और ये लोग मुझ पर क्यों गोली मार रहे हैं। भाई कुछ ज़्यादा ही गलत सीन हो गया गाइस यहाँ पे, शायद ये लोग। ओ नो नो भाई मुझे मत मारो यार, मैं तुम लोग को बचाने आ रहा हूँ, मेरे को पहचान कर नहीं रहे ये लोग। गाइस अभी मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि आखिर मैं यहाँ पर करूँ क्या। फटाफट से गाड़ी पकड़ता हूँ, यहाँ से निकल जाता हूँ, क्योंकि अभी फाइट है कुछ फ़ायदा ही नहीं है। लेट्स गो भाई, ये कौन सा ट्रक है, भगा दो भाई फुल स्पीड में यार पहाड़ों में भागने के लिए। आई थिंक ये वाला ट्रक सबसे बेहतरीन है,
अभी तो जितने तेज हो सकते गाइस उतनी जल्दी हमको भागना पड़ेगा, क्योंकि उन लोगों ने यार मुझ पर ही गोलियां मारनी वहाँ पर शुरू कर दी थी। और अभी मैं उनसे अकेले फाइट नहीं लेना चाहता, क्योंकि मुझे ये भी नहीं पता कि भाई वो लोग मुझ पर गोली क्यों मार रहे हैं। उनको मारने के लिए तो भाई पूरी मुझे बहुत बड़ी टीम लगने वाली है। बट यार मैं अभी भी थोड़ा बहुत कन्फ्यूज हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि उनको आखिर हम लोग मारें या फिर उनसे जाके बातचीत करें। वैसे वो लोग बातचीत के मूड में तो गाइस बिल्कुल भी नहीं लग रहे थे। वो पीले वाले क्रिमिनल वैसे 2 सेकंड के लिए रुका तो था मुझे मारने से पहले, बट लास्ट में उसने मुझ पर गोलियाँ चला ही थी। दोस्तों अब आप लोग मुझे नीचे कमेंट करके बताओ कि आगे मुझे क्या करना चाहिए। क्या उन लोगों को हम लोग एक एक करके एनकाउंटर कर दे, या फिर उनको एक लास्ट चांस दे और उनसे बात करके देखें। अपनी राय दोस्तों नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। फिलहाल आज के एपिसोड के लिए दोस्तों बस इतना ही। आई होप आपको आज की वीडियो में मज़ा आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई दोस्तों तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। मैं मिलता हूँ दोस्तों अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।